पास में ये आज एक छोटी सी पेंसिल है जिसको मैंने एक तार के साथ अटैच कर रखा है, और दूसरी चीज एक नो वोल्टेज की बैटरी है, और तीसरी एक छोटी सी ब्लेड है जिसको मैंने काट दिया पहले कोई चीज की थी जिससे, और यहाँ पे मैंने इसके भी तार अटैच कर दिया। तो गाइस आज हम इन तीनों चीजों को मिलाकर कुछ इस तरह की मशीन बनाएंगे जिससे हम वेल्डिंग कर सकते हैं। तो चलो गाइस हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, और चलो हम हमारा काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस ब्लेड के साथ ये लाल वाला तार हम अटैच कर देते हैं, यानी कि प्लस का, और इस ब्लैक वाले तार के साथ हम कर देते हैं माइनस का। और अब हम देखते हैं, तो ये देखिए गाइस हमारी मशीन बिल्कुल काम कर रही है, ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस बिल्कुल अच्छी तरह हमारी मशीन काम कर रही है कुछ इस प्रकार। वेल्डिंग की जा रही है यानी कि यहाँ से चिंगारी निकली। अभी मैं आपको एक ब्लेड के साथ और करके दिखा था मगर मेरे पास में ब्लेड है नहीं, तो चलो मैं आपको दिखाने के लिए ये देखिए गाइस कुछ इस प्रकार यहाँ से चिंगारी निकलती है, तो कुछ इसी प्रकार हम वेल्डिंग कर सकते हैं। तो गाइस मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि यदि आप लोग घर पे बनाते हो ना तो इससे अधिक पावर की बैटरी होनी चाहिए, तब जाके हमारी वेल्डिंग मशीन सक्सेस होगी। तो चलो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना।